नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 शुरू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 5.3 में पहला प्रश्न में है, चार भाग हैं, तो इसमें पहला भाग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो योग ज्ञात करना है। तो पहले भाग में लिखा है 2, 7, 12, 10 पदों तक, 10 पदों तक है ना, ये श्रृंखला जारी है, ये एपी है और इस तरह ये 10 पदों तक लिखा है और इसमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक ना, तो इसमें हम पहले प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद ए बराबर 2, ठीक ना, और सार्व अंतर डी बराबर 7 में से 2 गया, 7 - 2 = 5। ठीक ना, अगले पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा। देखिए ए और डी प्राप्त हो गया, इसमें 10 पदों तक है, इसका मतलब n बराबर 10 लिखा हुआ है। ठीक ना, अब योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1d, ये योगफल का सूत्र होता है। तो इसमें पहले n पदों की संख्या, देखिए हमको 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यस 10। ठीक ना, तो n का मान 10 और बटे 2, 2 × a प्रथम पद कितना है 2 है, प्लस 10 - 1 × d का मान 5। तो ये हमने मान रख लिया सूत्र में, अब इसको हल करते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और यहाँ या 2 × 2 = 4 प्लस 10 में 1 गया 9, 9 × 5 तो ये हो गया 9 × 5 = 45। तो 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49। ठीक ना, अब 5 का गुणा कर लेते हैं तो 5 × 9 = 45, हासिल 4, 5 × 4 = 20, 4 = 24। इस प्रकार प्रथम 10 पदों का योग कितना आया 245। तो ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग में देखते हैं क्या है। दूसरे भाग में -37, -33, -29, इसी प्रकार कितने पदों तक है 12 पदों तक, तो 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक ना, तो इसमें भी प्रथम पद सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम पद a बराबर -37 और d बराबर, मतलब सार्व अंतर बराबर कितना निकालेंगे, देखिए ये रहा -33 माइनस प्रथम पद। ठीक ना, तो -37 से लिखा हुआ है तो इसको हल करेंगे तो -33 और 2 माइनस मिलकर प्लस। ठीक ना, तो माइनस प्लस लिखा है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 37 में 33 गया तो ये 4 आ गया, और बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह लगा तो ये प्लस में आ गया। ठीक ना, तो सार्व अंतर ज्ञात हो गया। अब योगफल का सूत्र निकाल लिख लेते हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1d। ठीक ना, तो अब हमको कितना 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, इसमें n बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक ना, तो यस 12, ठीक ना, तो n के स्थान पर 12 रख देंगे, 2 × a का मान -37 प्लस ये हो गया 12 - 1 × d का मान कितना है 4, तो 4 रख लेंगे। ठीक ना, इसको हल करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ये 6 हो गया और इसका गुणा कर लेंगे, 7 × 2 = 14, 3 × 6 = 7 और इसमें कम करेंगे तो कितना आएगा 11 × 4,
तो 6 माइनस 74 और 11 ये 44 हो गया, ठीक। फिर 74 में 44 घटाएंगे तो ये 30 आ गया, और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक ना। और 6 गुणा 30 में करेंगे तो 180 माइनस में। इस प्रकार 12 पदों का योग माइनस 180 प्राप्त हो गया। इसका तीसरा भाग देखते हैं, तो तीसरे भाग में है 0.6, 1.7, 2.8। कितने पद हैं इसमें? 100 पद हैं। 100 पदों तक, ठीक ना, तो 100 पदों तक ज्ञात करेंगे। इसमें प्रथम पद देखिए, प्रथम पद a बराबर 0.6 है, और सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर d बराबर, देखिए ये a1 a2 a3 इस प्रकार है ये, तो लिखेंगे a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 1.7 माइनस 0.6, ठीक ना। तो इसको घटाएंगे तो आएगा 1.1। तो ये हो गया प्रथम पद और सार्वंतर। n बराबर 100 दिया हुआ है, ठीक ना। 100 पदों तक ज्ञात करना है, तो योगफल का सूत्र लिखते हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1 d। तो ये सूत्र लिख लिया। अब मान रख लेते हैं 100 पदों तक है, तो यस और n का मान 100। तो ये हो गया 100 / 2 2 × 1 = 0.6 + 100 - 1, और सार्वंतर 1.1 है। इसको हल करेंगे, 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10 और 1 = 0, तो हो गया 50। और इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 1.2, ठीक ना। 6 × 2 = 12, एक स्थान के बाद दशमलव लग गया तो 1.2 हो गया। 100 में 1 गया 99 × 1.1 = 1.1, 50 + 1.2 + 11 = 99 9 18 + 1 = 9 = 10, और 11 एक स्थान के बाद है तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, ठीक ना। 11 गुणा किया है, बस इनको जोड़ लेते हैं, 108.9 और 1.2, ठीक ना। 9 2 11 = 1 8 9 1 10 1, ठीक ना। तो 110.1 आया, तो लिखेंगे 110.1। अब गुणा कर लेते हैं तो जाएगा 0 5 × 5 0 5 × 5 5 × 5 दशमलव एक स्थान के बाद, तो आ गया 55.05, ठीक ना। अब इसका चौथा भाग देखते हैं, चौथे भाग में है 1/15 1/12 1/10 और 11 पदों तक, ठीक ना। तो 11 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो इसमें भी हल करते हैं। देखिए प्रथम पद बराबर a बराबर 1/15, सार्वंतर d बराबर इसको a1 इसको a2 इसको a3, ठीक ना। तो लिखेंगे a2 - a1, तो लिखते हैं 1/12 - 1/15। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे, 12 15 का लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पर, 12 15, तो 3 × 5 = 3 4 = 12 3 × 5 = 15। तो इसका हो गया 4 × 3 = 12 12 × 5 = 60, तो ये लघुत्तम हो गया 60, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इस 60 में पहले 12 से भाग देंगे, तो 60 में अगर 12 से भाग देंगे तो 12 × 5 = 60, 5 आ गया,
जो भी उत्तर आता है उसका ऊपर वाले में गुणा किया जाता है, तो 5 एकम 5। फिर यही काम इसके संग करेंगे, 60 में 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, 4 आया, 4 गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो 4 एकम 4, इस प्रकार ये 1/60 आया, ठीक ना। तो सार्वान्तर 1/60 आया। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं सार्वान्तर, इसके बाद फिर योगफल का सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर एस एन बराबर n/2 2a + n-1d, ठीक ना। तो कितने पदों तक हैं, 11 पदों तक, n बराबर 11, तो लिखेंगे s11 = 11/2, 2 × a = 1/15 प्लस 11 - 1 × d का मान कितना है, 1/60, ठीक ना। इसको हल कर लेते हैं। अब 11/2 कटेगा नहीं ये, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10 × 1/60। 11/2 ये हो गया 2/15 प्लस ये हो गया 1/6, तो 11/2 इनका लघुत्तम ले लेंगे। देखिए 15 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 और 6 तो 3 5 15, 3 2 6 तो 5 2 10, 10 3 30, तो ये 30 हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इस 30 में पहले 15 से भाग देंगे तो 15 2 30, 2 आ गया, 2 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे, ठीक ना। नीचे वाले का भाग करते हैं और जो भी उत्तर आता है उसका ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। तो 15 2 2 आया, 2 2 फिर यहाँ 2 गुणा कर दिए तो 4 आ गया। फिर 30 में 6 का भाग करेंगे तो 6 5 30, 5 आया, 5 × 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। 11/2 और ये 5 4 9/30, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम 1 0, तो ये हो गया 33/20, तो ये उत्तर आ गया। तो ये प्रश्न नंबर पहले का चौथा चारों भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में 3 भाग हैं। पहला भाग देखते हैं। पहले भाग है 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ये 84, ठीक ना। ये अंतिम पद दिया हुआ है, बोलता है इस श्रृंखला या इस एपी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए ये है A1, ये A2, ये A3 और ये अब जा कहाँ तक है, ये nवां पद है, ठीक ना। अंतिम पद है ये, एल बराबर भी 84 लिखते हैं, ठीक ना, लास्ट टर्म, ठीक ना। तो इसको an, ये nवां पद है ये, तो लिखते हैं प्रथम पद a = 7 और सार्व अंतर d = a2 - a1, तो लिखेंगे 10 सही 1/2 - 7। इसको हल करेंगे, ये देखिए संयुक्त भिन्न में लिखा हुआ है, लेकिन 2 दहम 20 1 21, 21/2 - 7, तो हो गया। इसका तीसरा गुणा कर लेते हैं तो 2 7 14 पूरे 1/2 हो गया। तो अब 21 में 14 घटेगा तो ये 7 आ जाएगा। और ये है nवां पद, an = 84, ठीक ना। तो इसमें कुल an का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे a + n - 1d = 84, ठीक ना। तो ये प्रथम पद यहाँ लिख लेंगे 7 + n - 1 और d का मान 7/2 है बराबर 84। 7 को पक्षांतर कर देंगे तो ये जाएगा n - 1 और 7/2 = 84 - 7।
तो 84 का 4 गया तो 80, फिर 3 गया तो 77, तो ये हो गया 77, ठीक ना। तो ये हो गया n माइनस 1 और 7/2। अब देखिए 7/2 को पक्षांतर करेंगे तो 7/2 है तो पक्षांतर होगा तो 2/7 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, तो ये आया n माइनस 1 बराबर 77 गुणे, ठीक ना, ये 7/2 है तो जगह 2/7, 7 × 7 11 बार में कट गया, तो जगह n माइनस 1 बराबर 11 × 22, और ये पक्षांतर होगा इस तरह n माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 23, तो इसमें n बराबर 23 आ गया, ठीक ना। इसके पहले के प्रश्न में n का मान दिया हुआ था, ठीक ना, इस वाले में n का मान नहीं दिया था, इसमें nवां पद दिया हुआ था, इसलिए nवें पद से हम पहले n का मान ज्ञात कर लिए। अब योगफल निकालना है तो योगफल का सूत्र रख लेते हैं, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक ना, ये योगफल का सूत्र हो गया। अब इसमें मान रख देंगे तो n का मान देखिए 23 है तो 23 रख लेते हैं, 23/2, 2 × a का मान 7, तो 7 रख लिए, और n का मान 23 माइनस 1 गुणे d का मान कितना आया है, d का मान 7/2 है तो 7/2 लिख लिया, ठीक ना, ये सूत्र लिया, इसमें मान रखा। अब इसको हल करते हैं, यस 23, देखिए 23 को 2 से नहीं काटेंगे, कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिख दिए, 7 × 2 = 14, 23 में 1 गया, 22 × 7/2, ये हो गया 23/2, ये 14 प्लस 2 × 2 = 2, तो 11 बार में कट गया, 11 × 7 = 77, तो अब 23/2 इनको जोड़ लेंगे, 7 × 4 = 11, 7 × 8 = 9, ठीक ना, तो ये हो गया 91। देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, बस ऊपर ऊपर गुणा करके 2/2 लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 91 में 23 का गुणा कर लेते हैं, 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 27, 2 × 2 = 2, 9 × 9 = 18 या 2 × 9 = 18, 3 × 7 = 8 = 9, 8 × 2 = 10, 1 × 2, ठीक ना, तो ये आया 20 93/2। अब इसको संयुक्त भिन्न में बदलेंगे, तो देखिए संयुक्त भिन्न में ऐसे बदलेंगे, 2 × 2 = 0 0, 9 × 2 = 8, 1 × 2 = 12, और 1 ये आया, ठीक ना, इसको लिखेंगे 10 = 46, सही 1/2, ठीक ना, तो ये संयुक्त भिन्न में लिख लिया। तो ये प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं, देखिए दूसरा भाग लिखा हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ये 10 लिखा हुआ है। तो इसमें पहले प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं, a1 a2 a3 और ये an, ठीक ना, तो प्रथम पद क्या हो गया 34, सार्वंतर हो जाएगा a2 माइनस a1, तो हो गया 32 माइनस 34, तो 32 में 34 गया तो माइनस 2। अब ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक ना, तो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1d बराबर 10, तो प्रथम पद 34 प्लस एन माइनस 1 और d का मान माइनस 2 बराबर 10, 34 पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा एन माइनस 1 गुणे माइनस 2 बराबर 10 माइनस 34, एन माइनस 1 गुणे माइनस 2 बराबर, देखिए 34 उल्ट छोटे से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस में आएगा और ये 24 हो जाएगा, और 2 नीचे पक्षांतर कर देंगे तो एन माइनस 1 बराबर माइनस 24 बटे माइनस 2, तो 2 × 2 = 2, ठीक ना, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो जाएगा एन बराबर 12 + 1 बराबर 13, तो इसमें एन का मान 13 प्राप्त हो गया। अब योगफल का सूत्र लिखेंगे और इसमें मान रख देंगे,
तो यन का मान 13 बराबर 13 बटे 2 और 2 गुणे ए का मान 34 प्लस 13 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान -2। अब इसको हल कर लेंगे तो यस 13, देखिए 13 2 से नहीं कटेगा तो ये 13 बटे 2 लिख दिया, इसको गुणा कर लेंगे 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और इसको 13 में एक गया 12 गुणे -2 तो ये हो गया 13 बटे 2 और 68 और 12 दूनी 24, एक माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया 13 बटे 2 गुणे, अब इसको घटा लेंगे 8 में 4 गया 4 6 में 2 गया 4, ठीक ना, 2 एक कम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, अब इसका गुणा कर लेंगे, देखिए 13 दूनी 26 13 दूनी 26 27 28 तो 286 आ गया, ठीक ना। तीसरा भाग देखते हैं, इसमें लिखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230, ठीक ना। तो इसमें भी ज्ञात करते हैं, योगफल ज्ञात करना है। देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, ये a1 है, ये a2, ये a3, ठीक ना। तो प्रथम पद -5 और सार्वंतर -8 माइनस, ठीक ना, -5 तो -8, दो माइनस मिलके प्लस, और माइनस प्लस हो तो माइनस घटता है बड़ी संख्या में, 8 में से 5 गया 3 और बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक ना। अब ए एनवा पद दिया है, देखिए -230 और ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1d बराबर -230, ए का मान -5 है प्लस एन माइनस 1 और डी का मान -3 बराबर -230। -5 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो एन माइनस 1 गुणे -3 बराबर -230, माइनस का पक्षांतर किए तो +5, ये हो गया 230 में 5 घटाएंगे तो -225 आ गया, ठीक ना। तो ये हो गया, -3 को पक्षांतर कर देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर 225 बटे -3, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 3 एकम 3 3 सत्ते 21 3 पचे 15 तो ये 75 आ गया, तो लिखेंगे एन बराबर 75 और माइनस का पक्षांतर होगा तो +1 तो जाएगा 76। तो एन का मान ज्ञात हो गया। अब योगफल ज्ञात करने के लिए योगफल का सूत्र लिख लेते हैं, लिखेंगे यस एन बराबर एन बटे 2 और कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1d, एन यस एन 76 है तो लिखेंगे यस 76 76 बटे 2 2 गुणे ए का मान -5 और यहाँ 76 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है -3 तो -3 रख लिया, ये 2 के पाना से कट जाएगा तो काट लेंगे, 2 तिहाई 6 2 अट्ठे 16 यस 76 बराबर 38 ये 5 दूनी 10 प्लस 76 में 1 गया 75 गुणे -3 तो ये हो गया 38 और ये हो गया -10 और 75 में 3 का गुणा कर लेंगे तो हो गया 5 3 5 15 हासिल 1 3 सत्ते 21 एक 22 तो ये हो गया 38 और माइनस 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 और अंक जुड़ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 225 10 35। अब इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पर तो 235 38 आठ पंच 40 आठ त्रिक 24 चार 28 आठ दूनी 16 17 18 पाँच तीन 15 तीन तक 9 एक 10 तीन दूनी 6 एक 7 8 5 13 8 1 9 7 1 8 तो ये आया
8930, ठीक ना, माइनस 8930। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीन का पहला। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50, ठीक ना, ये दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है n और sn, ठीक ना, पदों की संख्या और n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें an दिया हुआ है, तो लिखेंगे an बराबर 50, और an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d बराबर 50। तो a का मान कितना है, 5, प्लस n का मान ज्ञात हो जाएगा इससे, n माइनस 1, और d कितना दिया हुआ है, 3 बराबर 50। तो 5 पक्षांतर कर लेते हैं, तो जगह n माइनस 1 गुणे 3 बराबर 50, 5 पक्षांतर किए तो माइनस 5, n माइनस 1 गुणे 3 बराबर ये 45, 3 पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा n माइनस 1 बराबर 45 बटे 3, 3 एक कम 3, ये 15 बार में कट जाएगा, और ये माइनस 1 पक्षांतर करेंगे तो जाएगा n बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16। तो n का मान ज्ञात हो गया, देखिए n का मान ज्ञात हो गया, अब sn मतलब n पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, sn बराबर n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1d। तो n कितना है, अब देखिए ज्ञात क्या हुआ, 16 बटे 2, ये हो गया 2 गुणे a का मान 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 गुणे d का मान 3। इसको हल कर लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, तो हो गया 8, और ये 5 दूनी 10 प्लस 16 में 1 गया 15 गुणे 3, तो ये हो गया 10 प्लस 15 यानी 45 और 8, और ये 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, तो गुणे 55, तो गुणा करेंगे 8 पंचे 40, 8 पंच 40 4 44। तो इस प्रकार 440 प्रश्न का उत्तर आ गया। दूसरा भाग ज्ञात करते हैं। अब देखिए दूसरा भाग में है, a बराबर 7, a 13 बराबर 35, ये दोनों दिया हुआ है, a 7 a मतलब 13वां पद दिया है 35, तो हमको d ज्ञात करना है और यस 13 का मान ज्ञात करना है, ठीक ना, 13 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब देखिए a बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक ना, और a 13 दिया है, मतलब n का मान 13 है, ठीक ना, n 13 है और a 13 दिया है 35, ठीक ना, तो a 13 दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पहले देखिए n लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1d बराबर 35, ठीक ना, तो a का मान कितना हो गया 7, और n का मान 13 माइनस 1, और d का मान कितना है ज्ञात करना है अपने को, तो ये हो गया 7 पक्षांतर कर देंगे, 13 में 1 गया 12d बराबर 35 माइनस 7, तो ये हो गया 35 में 7 गया तो 28 हो गया, तो d का मान ज्ञात हो गया 28 बटे 12, और ये कटेगा तो काट देंगे, तो लिखेंगे 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, तो ये 7 बटे 3 d का मान आ गया। अब d का मान ज्ञात हो गया 7 बटे 3, और यस 13 ज्ञात करना है, ठीक ना, तो पहले योगफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यस n बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d, तो n कितना है 13, तो 13 लिख लिया, n का मान 13 बटे 2, 2 गुणे a का मान 7, और n का मान फिर 13 रखते हैं, और d का मान 7 बटे 3, फिर इसको हल करते हैं, 13 बटे 2
ये 7 × 14 और 13 में 1 गया 12 गुणे 7/3, तो ये हो गया 13/2 14 प्लस 3 × 1 = 12, तो 7 × 4 = 28, 13/2 गुणे 8 × 4 = 12 हासिल 1 2 3 1 4। अब ये 2 के पाना से कट जाएगा तो काट लेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब गुणा कर लेंगे 13 और 21 का गुणा, तो 13 × 1 = 13 हासिल 1, 13 × 2 = 26 = 27। इस प्रकार देखिए जो ज्ञात करना है लास्ट में लिख भी लेते हैं, D = 7/3 एवं S13 = 273। तीसरा भाग देखते हैं अब। तीसरा भाग में देखिए लिखा है A 12 दिया हुआ है, A 12 = 37 और D = 3, ठीक ना। A 12 = 37 और D = 3, A ज्ञात करना है और S 12 ज्ञात करना है, ठीक ना। 12 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ज्ञात करते हैं इसमें, देखिए D का मान दिया 13 और ये A 12 दिया है, तो इसका मतलब N का मान 12 दिया हुआ है, ठीक ना। AN मतलब N = 12 और D = 3 दिया हुआ है और A 12 का फॉर्मूला रख लेते हैं, A 12 = 37, तो जाएगा A + N - 1 D = 37। ये N वाला सूत्र लिख रहे हैं, AN = N - 1 D, इस पर सूत्र रख रहे हैं, ठीक ना, ये सूत्र रख रहे हैं। तो अब N का मान 12 रख देंगे और A का मान ज्ञात होगा। देखिए A + N का मान कितना है 12 - 1 और D = 3 = 37, तो हो गया 12 में 1 हुआ तो कम हो गया, तो 11 × 3 = 37, A + 33 = 37, तो A का मान ज्ञात हो गया 37 - 33, तो A = 4, ठीक ना। तो A का मान 4 प्राप्त हो गया। देखिए तो अब A का मान ज्ञात हो गया, अब S 12 ज्ञात करना है, तो N पदों का योग का फॉर्मूला लिख लेते हैं, N/2 2A (N - 1D), ठीक ना। तो 12 ज्ञात करना है तो N का मान 12 है, 12/2 2 × A का मान कितना है 4 और ये 12 - 1 और D का मान 3 है, तो ये हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो 6 × 4 = 8 और 12 में 1 गया 11 × 3, ये हो गया 8 + 33, ठीक ना, 11 × 3 = 33 और इसको जोड़ लेंगे 8, 9, 10, 11 और 3 × 1 = 4, तो गुणा कर लेते हैं 6 × 6 = 6, 6 × 4 = 24। अतः A = 4 एवं S 12 = 246, तो ये आंसर आ गया।